न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। खरगोन जिले के ग्राम पटेलों ने शासन स्तर पर मानदेय तय करने की मांग को लेकर एकजुटता दिखाई। सोमवार को जिले भर के पटेल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। पटेल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल ने बताया कि गांव में 1947 से पटेल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में शासन की अनदेखी गलत नीतियों के चलते गांवों में पटेली खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। यहां लंबे समय से लंबित 2 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने से आक्रोश दर्ज कराते हुए प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिन में शासन मांगे नहीं मानता है तो आगामी चुनाव में कांग्रेस से वचन पत्र लेकर कांग्रेस को समर्थन करेंगे। हासम खत्री की रिपोर्ट। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर गाँव के खानदानी ग्राम पटेल अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देने माननीय कलेक्टर महोदय को आए हैं मुख्यमंत्री जी के नाम, और आज ये हमारा आखिरी ज्ञापन है। इसमें हमने संबंधित ज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब से कहा है कि अगर आप इस हफ्ते में खानदानी ग्राम पटेलों को मानदेय 5,000 रुपये महीना और खानदानी पटेल के पद को स्थायी नहीं करते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी से वचन पत्र लेकर के और कांग्रेस पार्टी को एक संकल्प के साथ जिताएंगे और हमारा मानदेय और अधिकार प्राप्त करेंगे। ये हम सब खानदानी ग्राम पटेलों का संकल्प है। हम खरगोन के सारे ग्राम पटेल इसी बात को लेकर के आज एकत्रित हुए। क्या क्या मामला क्या था, मतलब शुरू से क्या था, ये शुरू से क्या मामला क्या था? विषय हमारा, हम खानदानी ग्राम पटेल हैं और खानदानी ग्राम पटेलों ने निरंतर आज़ादी के बाद 75 वर्षों तक बिना किसी मानदेय और बिना किसी लोभ लालच के शासन प्रशासन की खूब सेवा की है। आज तक खानदानी ग्राम पटेलों के साथ न्याय नहीं हुआ है और हम न्याय की मांग करते हुए 13 से 15 साल हो गए। हम निरंतर